नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। महाराष्ट्र में म्यूकर माइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के चलते अब तक करीब 52 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बात की जानकारी एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने शुक्रवार को दी। कहा जा रहा है कि इस दुर्बल फंगस इन्फेक्शन के चलते जान गंवाने वाले सभी लोग कोविड-19 का शिकार हो चुके थे। मामले की गंभीरता के मद्देनजर राज्य सरकार भी एक्टिव नजर आ रही है। खबर है कि राज्य में एक सूची बनाई जा रही है जिसमें ब्लैक फंगस के चलते हुई मौतों से जुड़ी जानकारियां शामिल होंगी। समाचार एजेंसी PTI से बातचीत में अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र में बीते साल कोविड-19 के महामारी शुरू होने के बाद अब तक 52 लोगों की म्यूकर माइकोसिस से मौत हो गई है। बुधवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य में ब्लैक फंगस के 1500 मामले थे। अब इस नई परेशानी के चलते पहले ही कोरोना के कारण तनाव में चल रही राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। कुछ दिनों पहले टोपे ने जानकारी दी थी कि राज्य सरकार म्यूकर माइकोसिस के मरीजों के इलाज के लिए 1,00,000 एम्फोटेरिसिन बी एंटी फंगल इन्फेक्शन की खरीदी के लिए टेंडर जारी करेगी। आँख और नाक दो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले म्यूकर माइकोसिस का मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। ऐसे में पहले ही कोविड-19 के खिलाफ जंग में तैनात स्वास्थ्य विभाग के सामने नई परेशानी आकर खड़ी हो चुकी है।